तो देखो, आज के टाइम में यूट्यूब पर एक बहुत ही पॉपुलर नीश है और जिस पर बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत ही मोटा पैसा छाप रहे हैं, और मैं इसके एग्जांपल आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो देखो, आज के टाइम में हर एक बच्चा जो भी छोटा सा हुआ 2-3 साल का, वो सीधे पकड़ता है मोबाइल और क्या बोलता है, कार्टून, यूट्यूब पर सीधे कार्टून खोलता है। तो क्यों ना हम कार्टून को यूज़ करके कुछ बच्चों के काम का चीज़ बना दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके लिए पढ़ने का कोई बना दें, तो उनके पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगेगा कि बच्चा दिन भर कार्टून देख रहा है। तो हाँ, अगर मान लो दिन भर उसने 1 घंटा कार्टून देख लिया, 1 घंटे में उसने कुछ सीख लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को बनाने वाला हूँ। हम कार्टून का यूज़ करके एक ऐसी चीज़ बना देंगे कि बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे और इसका एंगेजमेंट टाइम भी हाई होगा, क्योंकि बच्चे ने एक बार क्लिक कर दिया और देखने लग गया तो उसको वीडियो अच्छी लग गई तो वो पूरा ही देखेगा, उसको स्किप नहीं करेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें हम वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है और एक स्क्रिप्ट लिख लेनी है। आप चाहो तो ये वाला प्रॉम्प्ट लिख देना, या आप अपने हिसाब से कुछ भी, ये हिंदी में भी समझ लेता है, जो आप व्हाट्सएप में हिंदी लिखते हो वैसी वाली हिंदी भी समझ लेता है। तो अभी मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है। अब यहाँ पे देखो, इसने बता दिया कि किस सीन से आपको इमेज जनरेट करवानी है और किस सीन को आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्लिप चैम पे आ जाता हूँ और फटाफट से अपनी वॉइस जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि वॉइस तो चाहिए ही होगी ना, बच्चे तभी तो इंटरेस्ट लाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और वापस से अपने क्लिप चैम पे आ जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाले पे क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पे आऊँगा और फिर से यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप रखना चाहो। उसके बाद में यहाँ से आप वॉइस ले लेना, जो भी आप लेना चाहो अपनी मर्जी से। यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना, जो भी आपको अच्छी लगी वो ले लेना। फिर आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है, उसके बाद में प्रीव्यू करके देख लेना। For World of Fruits. Are you ready? Let's dive in. फिर यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना और ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से MP4 में आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अभी वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रही है तो आपको इसके टेंशन नहीं लेनी। इन सबको हम अभी ऑडियो में कन्वर्ट कर लेंगे, इतना तो टाइम लगेगा। ये आप चाहो तो इसकी जगह पे 11 लैब भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं एक एक करके सारी वॉइस जनरेट कर ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं सबको ऑडियो में कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसी तरह से आपको सारी वॉइस जनरेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको आ जाना है वीडियो टू ऑडियो पे और यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे पहली वाली ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ से वीडियो वाली फाइल चूज करनी है। यहाँ पे जिस भी वीडियो को आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना हो वो वाली फाइल चूज कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे पहली वाली चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद में ये डाउनलोड पर क्लिक करना है। सेम इसी तरह से आपको सारी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। पर हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप ये मत कहना कमेंट में कि मुझसे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी मेरी सारी ऑडियो जनरेट हो चुकी है। उसके बाद में आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है और स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। इस वाली वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है बैकग्राउंड में, जो भी बैकग्राउंड ठीक लगे। फिलहाल मैं अभी ग्रीन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड, तो अभी मैं ग्रीन बैकग्राउंड कर ले रहा हूँ। उसके बाद में आप कैरेक्टर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हो, जैसे ये मास्टर वगैरह, जो भी आपको ठीक लगे कैरेक्टर आप अपने हिसाब से वो रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो जैसे मेरे को ये गुड़िया ठीक लग रही है। उसके बाद में आपको इस ब्राउज पर क्लिक करना है और वॉइस यहाँ पर ले आनी है, जो भी वॉइस आपने अभी कन्वर्ट की थी। तो जैसे मैंने ये वाली वॉइस कन्वर्ट की थी, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड होने लगेंगी, तो ये कंप्यूटिंग और एक्सपोर्ट भी अपने आप ही हो जाएगी।
उसके बाद में आपको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको उससे डाउनलोड कर लेनी है। तो अभी मैं यहाँ पे इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। आप कुछ चेंज करना चाहो तो यहाँ से बैक भी जाके चेंज भी कर सकते हो। इसी तरह से आपको सारी ऑडियो से वीडियो जनरेट कर लेनी है, और ये एक्सप्रेशन भी उसी तरह के देगी जिस तरह की आपकी ऑडियो में बात करी गई होगी। उसके बाद में आपको कैनवा में आ जाना। कैनवा में आने के बाद में वीडियो वाला टेम्पलेट ले लेना। वीडियो वाला टेम्पलेट लेने के बाद में आपको यहाँ पे एक सर्च करना है स्कूल कार्टून या कार्टून स्कूल, जो भी फिर जो भी आपको अच्छा लगे आपको उसको ले लेना और बैकग्राउंड में सेट कर लेना। उसके बाद में आपको इसको बैकग्राउंड को यानी कि इसका स्कूल जैसा एनवायरनमेंट बना लेना है। तो अभी मैं फटाफट से बना लेता हूँ, इसमें बच्चे रख देता हूँ ताकि ये लग रहा है ये पढ़ के नहीं आए, तो इनको हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया है। और जो भी आप डेकोरेशन करना चाहो इसमें सारी कर लेना यहाँ से सर्च करके एलिमेंट में। तो अभी मैं फिलहाल में इतनी रख लेता हूँ। और याद रखना इस वीडियो की लेंथ आपको इतनी रखनी है जितनी हमने अभी ऑडियो से वीडियो जनरेट की थी, यानी कि उन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है, तो अभी मैं इसकी लेंथ इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से देख लेना, मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करना चाहता। तो अभी मैंने इन सब की जैसे इसकी 9 सेकंड है, मैंने इसकी भी 9 सेकंड कर ली है। इसी के हिसाब से आपको जिस चीज़ की भी बात करी गई हो, जैसे फ्रूट की एप्पल की बात करी गई है, अब मैं यहाँ पे एप्पल यहाँ पे ले आता हूँ वाइट बोर्ड पे यानी कि बोर्ड पे, और यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट कर लूँगा। इसी तरह से आपको सारे फ्रूट की जिस भी फ्रूट की बात करी गई हो और उसी के हिसाब से उसकी लेंथ आपको एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारी वीडियो जनरेट कर लेनी है वन बाय वन करके, और सबको अलग अलग डाउनलोड भी करते रहना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डाउनलोड सारी वीडियो में डाउनलोड करते जा रहा हूँ। उसके बाद में आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाना है, और जो सारी जो हमने कैनवा से वीडियो जनरेट की थी वो वाली, और जो ऑडियो से वीडियो जनरेट की थी वो वाली, इन सबको इम्पोर्ट करा लेना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, इन सबको इम्पोर्ट करा लेना है। आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या ध्यान रखना है, जो हमने कैनवा से वीडियो जनरेट की थी उस वाली वीडियो को नीचे रखना है, और जो ऑडियो से वीडियो जनरेट की थी उस वाली वीडियो को ऊपर रखना है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो, तब मैं सबको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी सारी इम्पोर्ट हो चुकी है। अब देखो, मैं जो कैनवा वाली वीडियो वो नीचे रखूँगा, और जो ऑडियो से वीडियो जनरेट की थी वो ऊपर रखूँगा, और मैं उसी वीडियो को ऊपर रखूँगा जो वाली वीडियो जितनी टाइमिंग की है। जैसे ये वाली वीडियो 9 सेकंड की थी, मैंने इसको 9 सेकंड वाली पे 9 सेकंड कर दिया है। मतलब जो जितने सेकंड की थी मैंने उसी सेकंड के ऊपर ग्रीन वाली वीडियो रख दी है उसी की। तो इसी तरह से मैं सारी ग्रीन वाली वीडियो को रख दूँगा जो भी उनसे रिलेटेड वीडियो है। तो मैं फटाफट से सबको रख देता हूँ उनके ऊपर। तो अभी मेरी वीडियोस यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब आपको बस एक काम करना है, ग्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करना है और क्रोमा की पे आना है, क्रोमा की को चेक कर देना है, और इन दोनों को 100% कर देना है टॉलरेंस एंड ऑफसेट को, और यही सब आपको सबके साथ में करना है। और इसकी पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जहाँ। Hello learners, welcome to our fruity adventure. Today we're going to explore the wonderful world of fruits. Are you ready? Let's dive in. इसके एक्सप्रेशन भी देखो आप, जैसे ऑडियो उसी हिसाब से ये एक्सप्रेशन भी अपने हाथ पैर फैला रही है। तो अभी मैं सबके ग्रीन बैकग्राउंड हटा देता हूँ और पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा, फिर आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Hello, young learners. Welcome to our fruity adventure. Today. Hello, young learners. Welcome to our fruity adventure. Today, we're going to explore the wonderful world of fruits. Are you ready? Let's dive in. Here we have a bunch of delicious and healthy fruits. First up, we have the king of fruits, the mighty apple.
Apples come in different colors like red, green, and yellow. They are crunchy and sweet, and they're great for our teeth too. Look at this. Inside, apples have a star-shaped core with seeds. Remember, an apple a day keeps the doctor away. Next, we have bananas. Bananas are packed with energy and are super easy to peel. Did you know that bananas grow on trees and are actually classified as berries? They come in their very own natural packaging. Now, let's talk about oranges. Oranges are round and orange, of course. They are juicy and full of vitamin C, which helps keep us healthy and strong. Peeling an orange can be a bit tricky, but once you get the hang of it, it's a breeze. Look at these little red beauties. They're strawberries. Strawberries are sweet and juicy, and they're full of tiny seeds on the outside. Did you know that strawberries are the only fruit with seeds on the outside? They're perfect for snacking or adding to your favorite desserts. Last but not least, we have the refreshing watermelon. Watermelons are big and green on the outside, and bright red on the inside. So juicy! Watermelons are perfect for staying hydrated on a hot day, and they're a tasty treat for picnics and parties. Well, that concludes our fruity adventure for today, young learners. I hope you enjoyed learning about these delicious fruits as much as I enjoyed sharing them with you. Remember to eat your fruits every day for a happy and healthy life. Until next time, bye-bye.